पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अवैध निर्माण पर एमडीए का एक्शन जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को एमडीए की टीम ने सोनकपुर क्षेत्र में 80 बीघा में की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया। इससे भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। एमडीए वीसी शैलेश कुमार सिंह का कहना है कि बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए कोई भी निर्माण कार्य न करे। ऐसा पाए जाने पर प्राधिकरण द्वारा सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करते हुए कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा थाना मझूला के अंतर्गत सोनकपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के निकट संजीव गौड़ द्वारा लगभग 60 बीघा क्षेत्रफल में की गई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार गांव सोनकपुर में ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के निकट रमेश कुमार द्वारा लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में भी की गई अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। गुरुवार को एमडीए की टीम बुलडोजर लेकर सोनकपुर क्षेत्र में पहुंची। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की भी कार्रवाई की गई। टीम भाजपा नेता रमेश कुमार द्वारा बीच खेत में बनाए गए कार्यालय को ध्वस्त करने का साहस नहीं जुटा सकी। कार्यालय को बिना तोड़े ही बेरंग लौट गई। कार्रवाई पर तरह तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ये सोनकपुर योजना प्राधिकरण की है, उसी के पास में कुछ लोगों के द्वारा लगभग 60 बीघे और 20 बीघे में दो अवैध कॉलोनी विकसित किए जाने का प्रयास किया गया था, तो इनका चालान आदि करके आज इनके सुनवाई का अवसर दिया गया। और जब विहित प्राधिकारी ने इनका ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया तो आज वो क्रियान्वित किया गया है। लगभग 80 बीघे भूमि पर दो डिमोलिशन ऑर्डरों का एग्जीक्यूशन आज किया गया है। कहेंगे सर, ये अभी भी लगातार सब आपको भी विदित है कि प्राधिकरण लगातार अवैध निर्माण और अवैध विकास कार्यों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, परंतु लोगों को पुनः आगाह किया जाता है कि वो इस प्रकार की किसी भी अवैध विकसित कॉलोनी में अपना भूखंड आदि लेकर अपने धन का बर्बाद होने से बचाएं, क्योंकि प्राधिकरण लगातार इन कार्रवाइयों को किया जाना सुनिश्चित करेगा। किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।